अनुपमा में फाइनली काव्या ने कर दिया है एक तमाशा और अब आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सभी के सभी यहाँ पर मेहंदी और उसके बाद में कवाली में काफी मस्ती करते नजर आते हैं और काफी रोमांटिक अंदाज में यहाँ पर अनुज और अनुपमा का भी डांस दिखाया जाता है, जिसमें कि अनुज सपने में खोए नजर आता है और दोनों ही काफी रोमांटिक अंदाज में दिखते हैं और अनुपमा भी एक नए लुक में नजर आती है, जिसे देखकर अनुज के होश उड़ जाते हैं। मेहंदी की सेरेमनी कम्प्लीट हो जाती है और उसके बाद में सभी के सभी शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और देखने को मिलता है कि वनराज अनुपमा और अनुज को कहता है कि उनके होटल के इनॉग्रेशन में वो जरूर आएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो जरूर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वनराज के पास एक कॉल आता है और कहता है कि एक पार्सल आने वाला है जो कि उसको उसके हाथों में ही देना है। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनुज के पास में भी कॉल आता है काफी सालों बाद, लेकिन और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आज अनुपमा के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है तो आज हम इससे कुछ भी नहीं करेंगे और काका को भी दिखाता है। इसमें दिखाया जाएगा कि अनेरी की एंट्री होने वाली है। वहीं बापूजी की और बाकी 50वीं सालगिरह देखकर सभी के सभी उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर तोशु और किंजल के बीच में यहाँ पर मतलब सभी के सभी कुछ ना कुछ शादी के बारे में कह रहे थे और अनुज काफी लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहते हैं, तोशु कहता है कि ये सब कुछ कहने की बातें हैं क्योंकि आपने अपनी शादी नहीं की ना, मुझे तो लगता है कि शादी सोच समझ के करनी चाहिए। और वनराज कहता है हाँ एक बार नहीं तो दूसरी बार तो सोच समझ के करनी चाहिए। तो वही बाकी कह देते कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी और उसकी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए बा और बापू जी तारीफ करते हैं अपनी एक दूसरे की। और वहीं देखने को मिलता है कि समर और नंदिनी को भी कहीं ना कहीं यही कुछ लग रहा होता है। तो वहीं पर देखने को मिलेगा कि वनराज कहता है कि बाकी ऐसा नहीं कहते हैं, अगर हमारी शादी का एग्जांपल नहीं है तो तुम देखो बा और बापूजी तो कितना अच्छे से निभा रहे। तो वहीं काव्या कहती है कि क्या बापूजी आप इतना कुछ करने के बाद बा को माफ कर पाएंगे, और उसका तमाशा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे कहते हैं कि हाँ शायद मैं माफ ना कर पाऊँ, लेकिन मैं 50 साल पर ये एक गलती भारी तो निपटने दूंगा और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं उन सबको भूल जाऊँ और हम दोनों हमेशा साथ रहे। इसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं देखने को मिलेगा कि अब शादी के दिन यानी बापूजी अब यहाँ पर बारात लेकर आएंगे और बा और सभी लोग डांस करते नजर आएंगे, लेकिन अनुपमा के कंधे पर जैसे वनराज हाथ रख देता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसका हाथ पकड़कर सबके सामने खींच लेती है और कहती है कि उस तोशु की सगाई के दिन तुमने तमाशा किया था कि मैं घर में नहीं आ सकती और आज तुम बाहर वाली और मैं घर वाली, और वो उसको घर से बाहर निकालने के लिए नौटंकी करते नजर आती है, लेकिन वनराज उस पर बुरी तरह से भड़केगा और यहाँ तक कि सभी के सभी यहाँ पर उसने यहाँ पर तमाशा तो हो ही जाएगा। वनराज को इतना बुरा गुस्सा आएगा कि वो अनुपमा को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देगा और कह देगा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और होगा अब वनराज का दूसरा नौटंकी शुरू जिसमें वो इलीगल धंधे में इन्वॉल्व होता नजर आएगा। तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा की जिंदगी में एक नई एंट्री होगी।